तो सोलो लेवलिंग के एपिसोड 1 में दिखा जाता है कि एक आइलैंड के पास शिप खड़ी होती है जो माउंटेन पर फायर कर रही होती है। तो शिप का कैप्टन बोलता है कि इस मुसीबत से बस हमें हंटर्स ही बचा सकते हैं। अभी हमें यहाँ ये नहीं पता चलता कि कैप्टन किस बारे में बात कर रहा है। फिर आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी पीछे एक बड़ी सी लाल चींटी भाग रही होती है। हंटर भागते भागते अपने ग्रुप के पास आ जाता है, लेकिन फिर भी चींटी नहीं रुकती है और ग्रुप पर हमला कर देती है। चींटी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उन पर ना आग का असर हो रहा था ना तलवार का। चींटियां एक एक करके हंटर्स को मार रही थी। फिर हमें पता चलता है कि ये जो हंटर्स थे ये काफी नीचे रैंक के थे, इसलिए ये चींटियों को नहीं मार पा रहे थे। फिर वहां अपर रैंक के हंटर्स आ जाते हैं और चींटियों को मारने लगते हैं। तभी एक हंटर अपनी बुक खोलता है और हीलिंग स्पेल पढ़ने लगता है और जख्मी हंटर को हील करने लगता है। अपर क्लास के हंटर्स चींटियों को ऐसे मार रहे थे जैसे वो कोई खिलौना हो। हर तरफ खूनम खून ही हो गया था और ये सीन बहुत ज्यादा मस्त था। और फिर हमें पता चलता है कि ये जो हंटर आए थे ये सब एस रैंक के हंटर थे। फिर तभी वहां पर एक सफेद चींटी आ जाती है जो कि रेड चींटी से भी ज्यादा बड़ी थी और पावरफुल भी। और यहाँ पर हंटर काफी ज्यादा शानदार फाइट कर रहे होते हैं। हंटर्स यहाँ कभी लाइटनिंग मैजिक यूज करते हैं तो कभी फायर, ये देखकर तो मजा ही आ जाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर एक रेड बाल वाले हंटर को दिखाया जाता है जिसका नाम कमांडर जोई था। जोई उन चींटियों पर आग से हमला कर देता है। लाल चींटी तो जल जाती है लेकिन व्हाइट चींटियों पर कुछ असर नहीं होता। फिर कमांडर जोई अपने साथियों को चींटियों पर हमला करने के लिए कहते हैं। फिर अचानक से बताया जाता है कि 10 साल पहले इस दुनिया में दूसरी दुनिया के डायमेंशन से जोड़ने वाले गेट ओपन होने लगते हैं और गेट के दूसरी तरफ खतरनाक मॉन्स्टर भरे पड़े थे जिन्हें जादुई दानव कहते हैं, जिनमें नॉर्मल ब्लड्स का कोई असर नहीं होता था। और जो लोग इन मॉन्स्टर से फाइट करते थे उन्हें हंटर्स कहते थे। और जो हंटर्स जितना पावरफुल होता था उसे उसी हिसाब से रैंक भी मिलती थी, जैसे एस ए बी सी डी और ई रैंक। और फिर हमें बताया जाता है कि एक बार शक्तियां जाग जाने के बाद फिर किसी भी तरह की कोशिश करने के बाद और ज्यादा शक्तियां नहीं बढ़ सकती। फिर सीन शिफ्ट होता है और शहर का सीन दिखाया जाता है जहां जिम नाम का हंटर्स अपने ग्रुप के साथ डायमेंशन गेट में जाने की तैयारी कर रहा होता है। फिर हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम जिम हु होता है और निकनेम संग, और ये तो पहले से ही चोटिल था। फिर जिम संग से कहता है खाना पीना खाकर आए हो ना, तो संग कहता है हाँ और वहां से चला जाता है। तो जिम का दोस्त कहता है ये कौन सी तोप है जो सब इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जिम कहता है ये तोप तो छोड़ो छुरी भी नहीं है, ये दुनिया का सबसे कमजोर हंटर है जिसकी रैंक ई है। भाई अपना हीरो फिलहाल अभी बहुत ज्यादा कमजोर है, जिम का दोस्त बोलता है धीरे बोलो नहीं तो संग सुन लेगा। तो संग मन ही मन बोलता है मैंने सुन लिया और वो लोग सच ही तो कह रहे हैं। और फिर हीरो के सामने एक लड़की आती है, अपने हीरो जिन हु से कहती है तुम्हें फिर से चोट लग गई। बाय द वे इस लड़की का नाम है जूही और इस लड़की को अपने हीरो की काफी ज्यादा फिक्र होती है और ये लड़की बी रैंक की हीलर होती है। और फिर सभी लोग डायमेंशन गेट के अंदर जाने लगते हैं और अपने हीरो के पास बस एक चाकू है। यार ये तो बहुत कमजोर सा है। गुफा के अंदर जिम हु पर एक गोब्लिन अटैक कर देता है जिसकी वजह से उसका चाकू क्रैक हो जाता है। और जैसे ही जिम हु गोब्लिन के ऊपर चाकू मारता है वैसे ही उसका चाकू टूट जाता है और गोब्लिन जिम हु के पेट के अंदर अपनी तलवार घुसा देता है। तो एक हंटर जिम हु को गोब्लिन से बचा लेता है। जिम हु बहुत ज्यादा घायल हो गया था तो जूही उसे हील करने लगती है। और हम यहाँ देखते हैं कि हंटर्स ने गुफा के बॉस को मार दिया होता है। जूही अपने हीरो को हील करते हुए पूछती है कि तुम किसी जीत से हंटर तो नहीं बन गए। जूही को अपने हीरो को बहुत ज्यादा फिक्र होती है। हंटर्स लूट का सामान इकट्ठा करने लगते हैं तो जिम हु भी अपनी लूट देखता है जो कि ई रैंक की एक सार मड़ी के अलावा कुछ भी नहीं होता है। बड़े हंटर्स की नजर में इस मड़ी का कोई कीमत ही नहीं थी। तभी वहीं एक आदमी आता है और कहता है यहाँ देखो, जो कि एक सुरंग जैसी लग रही थी जो काफी लंबी होती है। गुफा के अंदर लूट करने के लिए कुछ लोग तैयार होते हैं तो कुछ लोग नहीं। तो लीडर कहता है हम वोट करेंगे तो सभी लोग वोट करने लगते हैं, जिनमें 6 लोग वोट अंदर जाने के लिए करते हैं और 6 लोग अंदर ना जाने के लिए। तभी लास्ट में जिम हु बचता है और अंदर जाने के लिए वोट कर देता है क्योंकि उसके पास एक भी लूट नहीं होती है। और जिम हु की माँ हॉस्पिटल में भर्ती होती है और उसकी बहन भी पढ़ाई कर रही होती है, इसलिए उसे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए जिम हु अंदर जाने के लिए हाँ बोल देता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ एक लड़की खड़ी होती है और वहाँ पर स्कूटी में 2 बंदे आ रहे होते हैं और जैसे ही वो पास आते हैं वो लड़की जम करके उनसे बैग ले लेती है, लेकिन उस लड़की की कैब जमीन पर गिर जाती है और वो स्कूटी वाले चोर भी जमीन पर गिर जाते हैं। वो कैब वाली लड़की जिसका पर्स था उसे वापस कर देती है। और फिर हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम चा है इन है जो एस रैंक की हंटर है, इसलिए उससे मिलने के सभी लोग भीड़ लगाने लगते हैं, इसलिए वह वहां से लंबी जंप करती और चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होकर गुफा का सीन दिखाया जाता है। वो लोग 40 मिनट से अंदर ही चल रहे हैं। जिम हु जूही से सॉरी बोलता है क्योंकि उसने अंदर जाने के लिए वोट दिया था और जूही अंदर नहीं जाना चाहती थी। तभी जूही जिम हु से गुस्से में बोलती है अगर वो चोट जरा सा भी ऊपर लग जाती तो तुम मर जाते। तभी हम देखते हैं कि सभी लोग टेंपल जैसी जगह पहुंच जाते हैं और जैसे ही गेट ओपन करते हैं वैसे ही सारी मसाले जल जाती हैं।
फिर सभी लोग वहां एंटर करते हैं और मूर्तियां देखने लगते हैं जो कि सैनिक जैसे लग रही थी और इंस्ट्रूमेंट बजाने वाली। फिर वो लोग सामने देखते हैं जहां बहुत बड़ी मूर्ति होती है जो कि मेन मूर्ति थी। तभी एक हंटर बोलता है यहां कुछ लिखा हुआ है, तो लीडर आकर उसे पढ़ने लगता है जो कि प्राचीन लिपि में लिखी होती है। वो पढ़ता है कि कार्टन मंदिर के जरूरी नियम, नंबर एक देवता का सम्मान करो, नंबर दो उसकी तारीफ करो, नंबर तीन अपनी भक्ति को साबित करो, जो ऐसा नहीं करेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। फिर जूही जिम से कहती है वो बड़ी वाली मूर्ति की आंखें हिल रही हैं जैसे हमें ही देख रही हो। तभी मेन गेट अचानक से बंद हो जाता है। तभी एक बंदा गुस्से में चिल्लाते चिल्लाते गेट के पास जाने लगता है और जैसे ही वो गेट को टच करता है वैसे ही गेट वाली मूर्तियां उसका सर धड़ से अलग कर देती हैं। ये सब देखकर सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी वो बड़ी वाली मूर्ति अपनी आंखों से लेजर निकालता है और एक गोल सर्कल बना देता है और जिम हू बोलता है हम सब यहाँ क्या मरने वाले हैं, क्या ये लोग सच में यहाँ मारे जाएंगे? ये जानने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।